लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये एक स्टोरी है, वो है द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन। तो ये स्टोरी है जादव मोलाई पेयंग, ये आदमी की। तो ये स्टोरी देखते हैं क्या है। जादव मोलाई पेयंग इज अ हाईली कैपेबल पर्सन बॉर्न इन अ नोमेडिक ट्राइब ऑफ आसाम। Born in 1963, he is working as a forest worker since the age of 16 years. तो ये जो जादव मोलाई पेयंग था वो 16 ईयर का था तभी से ही फॉरेस्ट में काम करता था। वो नोमैडिक ट्राइब में बॉर्न हुआ था, आसाम का था। वंस अ लार्ज नंबर ऑफ स्नेक्स डाइज इन द फ्लड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोइंग बाय द विलेज। तो वो आसाम में जो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है, एक बार वो रिवर को बहुत बड़ा फ्लड आया था और वो फ्लड की वजह से वहां पे बहुत सारे स्नेक डाई हुए थे। तो उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर करना चाहिए, ऐसा उसके मन में आया और उसने क्या किया, एज अ प्रिवेंटिव मेजर मोलाई प्लांटेड 20 बाम्बू प्लांटलेट्स। तो उसने तभी 20 बैम्बूज के प्लांट्स लगाए थे। उसके बाद 1979 द लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बिगैन अ सोशल अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट ऑन 200 हेक्टर्स ऑफ अ लैंड। मोलाई वॉज वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर्स हु वेर लुकिंग आफ्टर दैट प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम अरेंज किया था जिसके थ्रू उन्होंने अफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड में प्लांट लगाए थे। तो मोलाई ये एक ऐसा आदमी था जो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी उनकी ये जो प्लांट्स लगाए गए हैं उनकी केयर लेता था। मोलाई कंटिन्यू टू प्लांट ट्रीज इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट के जो प्लांट लगाने का काम कंप्लीट हो गया उसके बाद भी वो प्लांट्स लगाता गया, उनकी केयर लेता गया। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज कंटिन्यूस वर्क ऑफ प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर द ट्रीज द बैरन एरिया विटनेस्ड द फॉरेस्ट कवर ओवर द 1360 एकर्स। तो ये उसकी केयर की वजह से, प्लांट लगाने की वजह से जो भी बैरन एरिया था, बैरन एरिया मतलब जहां पे प्लांट नहीं, मतलब बंजर जमीन उसमें कुछ भी नहीं आता है, वो ऐसे एरिया पे उन्होंने 1360 एकर के एरिया में वो पूरा एरिया उसने फॉरेस्ट से कवर कर दिया। टुडे दिस जंगल इन अ कोकिलामुख ऑफ अ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ 30 इयर्स। तो ये जो मुलाई था उन्होंने इतना जो हार्ड वर्क किया उसकी वजह से ये जो एरिया है कोकिलामुख ऑफ अ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम ये आज का हमें दिखाई देने मिलता है। ही हैज बीन अवॉर्डेड विथ अ प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज अनपैरेलल वर्क। तो ये काम के लिए ये मोलाई को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। नाउ इट इज वेल नोन एज अ मोलाई जंगल। तो वो जंगल का नाम चेंज होके अभी मोलाई जंगल से लोग उसे जानते हैं, क्योंकि ये जंगल बनाने के लिए ये मोलाई ने बहुत, ये मोलाई का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही बड़ा है। मेनी पीपल कम टूगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट बट अ सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइंड कैन एस्टेब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट। बहुत सारे लोग जंगल काटने के लिए आते हैं बट अगर अकेले आदमी ने सोचा तो ये न्यू फॉरेस्ट भी बना सकता है। तो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।